मामा बदले की भावना से कांग्रेस समर्थित लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी भी बीजेपी से गुंडे लेकर उनका साथ दे रहे हैं। आगामी 8 जनवरी को नसरुल्लागंज में कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी, यह ऐलान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने किया। यादव ने शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा, प्रदेश में चल रही अतिक्रमण हटाओ मुहिम को राजनीति से प्रेरित और द्वेषपूर्ण बताया। आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव, पूर्व शिक्षा मंत्री राजकुमार पटेल सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने नसरुल्लागंज क्षेत्र के एक दर्जन से अधिक गांवों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने ग्रामीणों के हालचाल जाने और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी, जिसके बाद हमीदगंज पहुंचे, जहां अर्जुन आर्य के परिवार से भेंट की। आपको बता दें, कुछ दिन पूर्व वन विभाग द्वारा अर्जुन आर्य के खेत पर छापामार कार्रवाई कर लाखों रुपए की सिल्ली सहित इमारती लकड़ी जब्त की थी। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।